पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह से केपी न्यूज संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। बिहार सरकार पर किए हुए तीखे प्रहार, बीजेपी के आगे महागठबंधन होगी फेल। महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह बिहारी के पूर्वी चंपारण में जनता को संबोधन किया। बिहार सरकार के नाकामयाबी पर असफल बताए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, वादा किया कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री कब बनाएंगे। केपी न्यूज संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। सीधे तौर पे इस समय अभी जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आई जाने कोशिश करते हैं कि वाकई जो है कि यहाँ पे मसलक क्षेत्र में इनके आने का क्या कारण है, कहाँ कहाँ पे इनके कंपनी है, किन लोगों से मिले हैं, क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, कैसे लोग इस यहाँ से जूझ रहे हैं, इसके लिए खास इनसे बातचीत करेंगे। हाँ सर, बताएं सर। देखिए, मैं तो लगातार इस क्षेत्र से 7 बार सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ा हूँ और 7 बार जीता हूँ, 6 बार सर्टिफिकेट मिला है, 1 बार सर्टिफिकेट स्लिप कर गया है। इतना व्यक्तिगत संबंध हमारे पूरे क्षेत्र से है। हमारे क्षेत्र में छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया सभी स्नातक मतदाता हैं, पढ़े लिखे लोग इसमें मतदाता होते हैं। हमारे IAS IPS भी हैं, बेरोजगार युवक भी है, किसान मजदूर भी है, व्यापारी वर्ग के भी लोग हैं, हर तबके के लोग इसमें वोट करते हैं। मेरा मानना है कि वोटर आज के डेट में बड़ा मैच्योर है। मतदाता, देश का मतदाता, चाहे वो बिहार विधान परिषद का मतदाता हो, असेंबली का मतदाता हो, वह लोकसभा का मतदाता हो या फिर पंचायतों का मतदाता हो, सभी मतदाता मैच्योर है। इस देश के लोकतंत्र हमारा परिपक्व है, मैच्योर है, समीक्षात्मक निर्णय मतदाता करता है। आज इतने दिनों से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इस क्षेत्र से, ये बात सही है कि महाचंद्र सिंह का चेहरा देख करके वोट नहीं देता है लोग, मेरे काम को एवेल्युएट करता है। मैं जो काम किया हूँ इस क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक काम किया हूँ, व्यक्तिगत काम किया हूँ, लोगों के दुख सुख में रहने बगल में खड़ा होने का काम किया हूँ, और ये सार्वजनिक काम जो मैं किया अद्भुत काम सब किया। JP यूनिवर्सिटी जिले में है, JP यूनिवर्सिटी की घोषणा 89 में किया था किसी हुकूमत ने, कांग्रेस हुकूमत ने, फिर 90 में लालू प्रसाद जी आ गए, उन्होंने घोषणा किया और घोषणा के साथ साथ उन्होंने रुपया दिया डेवलपमेंट के लिए, उसका विश्वविद्यालय को खड़ा होने के लिए करीब करीब 7 करोड़ रुपए के दिया उन्होंने। और दुर्भाग्य था जो 8 करोड़ रुपया ट्रेजरी में रख दिया, कलेक्टर के ट्रेजरी में, कोषागार में 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिला। मैं 9 साल के बाद 1999 में मैं गवर्नर साहब के नॉमिनी बनकर सिंडिकेट JP यूनिवर्सिटी में आया। सर, मैंने भाई चांसलर से हिसाब लिया कि आपने अभी तक क्या किया, 2 कमरे के मकान में 9 साल यूनिवर्सिटी चली, ये हमारा बिजली विभाग के 2 कमरे के गेस्ट हाउस में। जब मैं आया 8-9 बरस के बाद, तो उस समय मैंने सिंडिकेट में हिसाब लिया भाई चांसलर से और कहा कि आपने किया क्या, आपके पास न जमीन है, न मकान है, न एसेट्स है, न यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से आपने एप्लीकेशन लिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का शर्त है कि नई विश्वविद्यालय को जब तक कुछ एसेट्स नहीं होंगे तब आपके अफिलिएशन पर विचार नहीं करेगा। तो इतना जागरूक होने के बाद भी JP यूनिवर्सिटी में 5 साल का कोर्स हो रहा है, इतना सारा खामियां है, मैं वही बता रहा हूँ, वो संतोष पूरा करता हूँ कि मेरे प्रयास से हमारी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जमीन अधिग्रहण कमेटी, और जो काम 9 बरस नहीं हुआ, महाचंद्र सिंह ने उसको 2.5 महीने के अंदर 246 एकड़ भूमि मैंने अधिग्रहण करवा दिया, पैसा बंटवा दिया, और उसमें मैंने ईयरमार्क कर दिया था उसमें, इसमें इस क्षेत्र में 246 एकड़ भूमि है, यूनिवर्सिटी इधर बनेगा, पीछे में हमारा इधर लॉ कॉलेज बनेगा, ईयरमार्क किया हुआ हमारा जमीन है, हम इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, इधर मेडिकल कॉलेज खुला। आज हमें प्रसन्नता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लॉ कॉलेज सब खुल गया, मेडिकल कॉलेज भी खुलने वाली बात है। मैं यूनिवर्सिटी को क्रिएट किया, आपने जो कहा है उस पर मैं आ रहा हूँ कि बहुत अस्त व्यस्त पूरा राज्य है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये 3 वर्ष का कोर्स बच्चे को 6 साल 7 साल में करना पड़ रहा है, वो भी मैंने बात सही, हम कमिटेड हैं, हमें बड़ी तकलीफ है कि पूरा विश्वविद्यालय अस्त व्यस्त है,
अभी तो चुनाव, एक महीने के बाद चुनाव है, चुनाव यदि मैं जीत कर जाता हूँ तो मैं कह के जा रहा हूँ आपके चैनल को कि मैं रेगुलर सत्र कर दूंगा। बच्चों के पेरेंट्स को भरोसा विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो परेशान हो रहे हैं, आपके बच्चे 3 साल का कोर्स 6 साल में कर रहे हैं, बड़ी दुखद स्थिति है, बच्चे को निराशा हाथ लगती है। निश्चित रूप से 3 साल का मतलब 3 साल होगा, बीए पास, बीएससी पास, अन्य कोर्स का जो टेन्योर है उस टेन्योर में भी हम सर्टिफिकेट दिलाने के लिए हुकूमत को, विश्वविद्यालय को बाध्य करते हैं। सर, तीनों जिला में सर जो कि जितने भी महाविद्यालय हैं उस भी बंद हो चुके हैं, उस पर क्या आपका ख्याल है? देखिए, मैं कहा ना कि विश्वविद्यालय पूरा अस्त व्यस्त है। अब मैं कहूँ आपको, इससे वित्तरहित संस्था, वित्तरहित बहुत बड़ा कलंक था, हमने बड़ी लड़ाई लड़ी थी हाउस में, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार बैठे रहते थे, जब मैं घुसता था हाउस में तो नीतीश कुमार जी उठ के खड़े हो जाकर कहते थे, अध्यक्ष महोदय अब माननीय चंद्र महाचंद्र सिंह आ गए फिर वित्तरहित का मामला उठेगा। मैंने कहा था उसमें मुख्यमंत्री जी को कि जब तक वित्तरहित का कलंक नहीं धोएगा राज्य में, तब तक महाचंद्र सिंह का संघर्ष जारी रहेगा। और हमें प्रसन्नता है कि मैंने हाउस में दबाव बनाया अपने साथियों के साथ, सभी पार्टी को मोबिलाइज करके अब वित्तरहित का कलंक साफ हुआ गया।